नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मला चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चारों ओर से घेरने की तैयारी हो चुकी है और इस बार नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी बनाई है बिहार के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि आरजेडी ने। विधानसभा में राजद के सबसे अधिक सदस्य हैं और इसको लेकर भी अब राजद ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि बीते दिनों हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसकी अध्यक्षता की थी लालू प्रसाद यादव ने। पिछले महीनों जो बैठक हुई उसमें लालू प्रसाद यादव सहित कई बड़े नेताओं ने रणनीति तैयार कर ली है और ये रणनीति है सीएम नीतीश कुमार को घेरने की। और इस रणनीति को बनाने के बाद अब पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ये जो प्लान बनाया गया है इसका नेतृत्व कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और इसका कमान सौंपा गया है युवा राजद को। जी हाँ, युवा राजद को इसकी कमान सौंपी गई है और अब प्रदेश भर में युवा राजद के कार्यकर्ताओं को अधिक स्तर पर जोड़ने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें चले कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी ने खुद को और सशक्त और आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने का फैसला कर लिया है और इसी को लेकर इसके माध्यम से कई निशाने साधे जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, बिहार सरकार पर। बताते चले कि इसमें अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का फैसला है। मुजफ्फरपुर स्थित गोबरसही में एक सभागार में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी सोहेब ने कहा कि वर्तमान सरकार युवा विरोधी है। 19 लाख लोगों के रोजगार का जो दावा किया गया था, कहाँ है वो रोजगार के दावे? क्यों नहीं मिल रहा बिहार में युवाओं को रोजगार? इसको लेकर कारी शोएब ने कहा कि यदि बिहार में राजद की सरकार होती तो युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता, रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाता। आपको ये भी बता दें कि पलायन को लेकर भी कारी सोहेब, जो कि युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार को घेरा है और कहा कि पलायन की समस्या बिहार में सबसे अधिक है। बिहार में मजदूरी करने के लिए लोगों को अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश का रुख करना पड़ता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और साथ ही जो लोग सरकार की विफलताओं के बारे में बताएंगे उसके साथ ही स्थानीय प्राधिकार कोटे से होने वाले चुनाव में विधान परिषद के राजद उम्मीदवार शंभू सिंह को ऐतिहासिक जीत दिलाने का भी दावा किया है युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख और जिले में 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सम्मेलन को राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, विधायक इजराइल मंजूरी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। तो आपको बताते चले कि राजद की पूरी रणनीति बन चुकी है और उस रणनीति के तहत अब काम किया जा रहा है। काम ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजद में कार्यकर्ताओं को, युवाओं को जोड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावों को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस ये जो रणनीति है वो कितनी सफल साबित होती है। जिस तरह से राजद लगातार काम कर रही है इस रणनीति पर, तो राजद को कितनी सफलता हाथ लगती है ये अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।